इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए, चूंकि तीन ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के प्रोडक्ट्स हैं cos x, cos 2x एंड cos 3x, तो एक तो तरीका है कि हम इसे y cos 2 एज्यूम कर लें, है ना, और सिंपली विदाउट लॉग लिए हम इसे क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट टू लगा के। दूसरा तरीका है log x, log ले लें हम लोग, फिर अपना क्या लगा लें हम लोग, फिर डिफ्रेंशिएट करें सिंप्लीफाई करके फंक्शन को। और तीसरा तरीका है कि आप इक्वलेंट ट्रिग्नोमेट्री साइन cos c प्लस cos d लगा के इसे सम में ब्रेक कर लीजिए, तब डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को रिफ़र कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे हम दोनों साइड में लॉग लेके कर रहे हैं, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, और ये लॉग विथ बेस ई होता है, तो लॉग वाई दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स कॉस 2x एंड कॉस ऑफ 3x हो गया। क्या हो जाएगा, लॉग, जब अगर प्रोडक्ट में क्वांटिटी होती हैं तो उसी लॉग सेम बेस पे सम में ब्रेक हो जाता है, तो कॉस ऑफ x सेम बेस पे प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x एंड प्लस लॉग ऑफ कॉस 3x, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, एक तरह से प्रोडक्ट से सम में आ गया। अब क्या करें हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ y दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 2x और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 3x, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप हमने डायरेक्ट चलाया है, है ना, पहले आप पूरे ब्रैकेट में करके आप फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, आप डी बाई डी एक्स ऑपरेट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो लॉग है ये x का फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑपरेटर x का है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहता है, तो ये तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, ये लॉग y सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब log y जो है वो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक। ये यहाँ भी चेन रूल लगेगा कि log x का फंक्शन नहीं है, ठीक है, log cos का फंक्शन है, तो जब भी कोई x की वैल्यू प्लेस करोगे तो पहले cos ऑपरेट होगा फिर उसके बाद log ऑपरेट होगा, तो log हमारा क्या है, आउटर फंक्शन है, सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा, इस चेन में जो सेकेंड कड़ी है वो कॉस की है, कॉस की बारी आएगी तब कॉस डिफ्रेंशिएट होगा, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े होंगे आप, वन बाई जो भी लॉग के अंदर हो, चूंकि लॉग के अंदर कॉस एक्स है तो नीचे कॉस एक्स आ जाएगा, फिर ये डिफ्रेंशिएट हो गया, अब कॉस डिफ्रेंशिएट होगा सेकेंड नंबर पे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक, तो ये फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा, एक्स वैल्यू प्लेस करोगे तो पहले 2x कैलकुलेट होगा, 2x इटसेल्फ ए फंक्शन, एंड तब फिर जो वैल्यू आएगी वो cos उसको ऑपरेट करेगा, जो वैल्यू आएगी फिर क्या करेगा, log ऑपरेट करेगा, तो ये सीक्वेंस है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट होने का, या यूं कहें ये आउटर मोस्ट फंक्शन है, पहले वो डिफ्रेंशिएट होगा, देन जस्ट इनर मोस्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा, देन जस्ट इनर मोस्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक। तो लॉग जो है, लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन आ जाता है वॉट एवर इन साइड द लॉग, कॉस 2x है तो यहाँ पे कॉस 2x आ जाएगा, फिर सेकेंड नंबर पे कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी कॉस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वॉट एवर इन साइड द कॉस 2x लिख देंगे, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तीसरे नंबर पे, आखिरी कड़ी है चेन की 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे आप, तो कॉस 3x फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x और फिर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या हो गई, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अब साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो ये हो गया माइनस टेन एक्स, यहाँ पे साइन बाई कॉस है ये भी टेन हो जाएगा लेकिन यहाँ 2x होगा तो माइनस टेन 2x, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 2 भी है यहाँ पे ना, तो 2 tan 2x और फिर यहाँ पे आपका माइनस 3 tan 3x हो जाएगा, ठीक।
तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, हाँ, और माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करते ही ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक, एक कम और करते हैं, ये y हम यहाँ ले आते हैं ना, तो y यहाँ से ले आओगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस y टाइम्स। लेकिन y क्या था आपका, y था cos x, cos 2x और cos 3x, तो वो वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में रखिएगा। तो ये हो जाएगा cos x, cos 2x एंड cos 3x, ये आपका फाइनल डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है।